बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC ST EBC और अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए कानून को रद्द करने का आदेश दिया है। 21 नवंबर 2023 को महागठबंधन की सरकार के दौरान बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया गया था, जिसे अब हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर यहाँ अखाड़ा में आ रही है। पटना हाईकोर्ट के फैसले को RJD ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मनोज झा ने कहा कि सामाजिक न्याय को हासिल करने में ऐसे फैसले फासले बढ़ाते हैं। फैसला आया है, मैं समझता हूँ आरक्षण को लेकर के जो दायरा नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार ने जो बढ़ाया था, वो उस पर जो रोक लगी है, इसमें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हम मानते हैं। ऐसे फैसले फासले बढ़ाते हैं सामाजिक न्याय की मंजिलों को हासिल करने में। मैं आग्रह करूंगा, नेता प्रतिपक्ष हर चुनावी सभा में तेजस्वी जी बोलते रहे, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करिए, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। देखिए उस ना करने के नतीजे में क्या हासिल हुआ। तो बिहार सरकार के इस फैसले को जहां पे झटका मिला है अनुसूचित जाति को, जैसे हम आपको ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं, इस तरीके से आरक्षण की दर को बढ़ाकर 15% और बढ़ा दिया गया था। अनुसूचित जाति 20%, जनजाति 2%, 25% अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC उसको 18%, इस तरह से इसको बढ़ाकर 65% करने की बात की गई थी। लेकिन अब वो वहीं 50 के ही स्तर पर रहेगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया है इसकी और इसे फैसले को रद्द कर दिया है। तो अब लौट करके ये आरक्षण का दर फिर से 50% पर आके रुक गया है। क्या अब बिहार सरकार इस मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन बिहार में आरक्षण जो बढ़ा था नवंबर 2023 में, कैबिनेट का ये फैसला जो था, जिसे अब पटना कोर्ट ने रद्द कर दिया है।